आज के दिन हमारा विषय है कि ए काइंड मैन मीनिंग इन हिंदी क्या होता है। यहां पर मैन का हिंदी में भावार्थ होता है पुरुष, जिसे आप हिंदी में नर भी कह सकते हैं। यहां पर काइंड का हिंदी में भावार्थ होता है दयालु, जिसे आप हिंदी में कृपालु भी कह सकते हैं। यहां पर ए का हिंदी में भावार्थ होता है एक। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ए काइंड मैन का हिंदी में भावार्थ होता है एक दयालु पुरुष, जिसे आप हिंदी में एक कृपालु नर भी कह सकते हैं। और सरल भाषा में और सामान्य जीवन में, यदि आप किसी ऐसे एक पुरुष को जानते हैं जो अपने दैनिक जीवन में और दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार में दयालु हैं अथवा कृपालु हैं, तो आप उन्हें इंग्लिश में ए काइंड मैन कह सकते हैं।